दोस्तों आज जो खबर अभी जो खबर इस वक्त निकल कर आ रही है वो हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि भारत सरकार ने चीनी ऐप टिकटॉक को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया है। यानी सीधे और सरल शब्दों में कहें तो मोदी जी ने श्री जिनपिंग के पिछवाड़े पर जोरदार लात मारी है और यही बोला है, निकले पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। समझ गए ना? तो ये बहुत ही खुशी की बात है, और खुशी की बात इसलिए है कि चीन जिस तरह से भारत के साथ दोगलेबाजी कर रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर वो अपनी हरकतें कर रहा था कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे और भारत इसे सह लेगा, तो भैया ये बात सुन लो कि ये वो भारत नहीं रहा है, ये मोदी जी वाला भारत है। और मोदी जी ने जो काम किया है ना, उसके लिए तो ग्रैंड सल्यूट बनता है भाई। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टिकटॉक के साथ ऐसे 59 चीनी ऐप हैं जिसे हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया है, जिसमें जेंडर, शेयरइट, टिकटॉक, लाइकी और जितने भी ऐप हैं चाइनीज के, उन सभी ऐप के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी है। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही है, आगे की जो भी खबर होगी मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ।